देखिए, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड पूरे साल बनी रहती है, पर समस्या ये होती है कि उनका जो उत्पादन होता है वो पूरे साल नहीं होता है। ऐसी एक सब्जी होती है मटर, जिसकी डिमांड पूरे साल बनी रहती है, बट इसका उत्पादन जो है वो केवल और केवल सर्दियों के सीजन में होता है। तो आप इसी का एक बेहतरीन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसे फ्रोजन मटर कहा जाता है। फ्रोजन मटर के बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। इस बिजनेस को आप कम से कम लागत में शुरू कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्या प्रोसेस होता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, सब कुछ हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रोजन मटर का बिजनेस क्या होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए, मटर एक ऐसी सब्जी है जो केवल सर्दियों में मिलती है, तो इसको सर्दियों के सीजन में बल्क में खरीद लिया जाता है कम पैसों में, और उसके बाद इसका प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को करके इसे फ्रोजन करके यानी कि जमा कर रख दिया जाता है ताकि खराब ना हो, और फिर पूरे साल इसे बेचा जाता है। इसका एक छोटा सा प्रोसेस होता है जो कि मैं क्लियरली आपको बताता हूं। सबसे पहले मटर को बल्क में मंडी से खरीदा जाता है, उसके बाद इस मटर को पूरी तरीके से छील लिया जाता है, इनके छिलके को अलग कर लिया जाता है, दाने को अलग कर लिया जाता है, फिर जो दाना होता है उसको लगभग 90 डिग्री सेल्सियस पे खौलाया जाता है, उबाला जाता है, पकाया जाता है, फिर अचानक से उसको ठंडा किया जाता है, 0 डिग्री पर ले आया जाता है, जिससे उसके अंदर जो भी कीटाणु जो भी बैक्टीरिया होते वो गर्म होने के बाद अचानक से जब ठंडा होते हैं पूरे पूरे मर जाते हैं, जिस वजह से जो आपके मटर के दाने होते हैं वो पूरी तरीके से संरक्षित हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। उसके बाद इन मटर के दानों को -40 डिग्री सेल्सियस पे जमाया जाता है और फिर पैकेट्स में पैक करके रखा जाता है। वो आपकी चॉइस है, आप छोटे छोटे पैकेट्स में रख सकते हैं या फिर बड़े पैक में रख सकते हैं, 5 किलो, 1 किलो, 250 ग्राम, 2 किलो, ठीक है, इस तरीके से पैकेट्स बनते हैं, तो इन तरीके के पैकेट्स में आप रख सकते हैं और अपना एक कोल्ड स्टोरेज आपको बनाना होगा, या फिर अगर आप कई सारे बड़े रेफ्रिजरेटर्स रख सकते हैं तो आप उन रेफ्रिजरेटर्स को रखिए, जिसमें से निकाल कर आपको पूरे साल सेल करना होगा। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे शुरू कर रहे हैं तो आपको एक कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, अगर आप छोटे लेवल से शुरू कर रहे हैं तो कुछ बड़े रेफ्रिजरेटर्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी, जिसमें आप संरक्षित करके रख सकें अपने इन मटर के दानों को। फ्रोजन मटर के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देन इसके अतिरिक्त आपको फूड लाइसेंस लेना होगा, FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आपको लाइसेंस मिलेगा, वो लेना होगा। यहाँ पर बात करें कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कहते हैं कि आप 30,000-40,000 में केवल आप अपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, वो केवल और केवल आपको कच्चे माल का और जो लेबर प्रोसेस होता है उसका पैसा बता देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आप 30,000-40,000 में से बिल्कुल भी शुरू नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक्चुअल कैलकुलेशन पे जाएं तो ये कहीं ज़्यादा होता है। अगर आप उनकी बात को सुनकर केवल अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो केवल और केवल आपका लॉस ही होगा। कुछ बेसिक चीज़ों की ही अगर हम बात करें, उनको समझने की कोशिश करें अगर आसान भाषा में, तो सबसे पहली चीज़ तो हम मान के रखते हैं कि आपको 20 रुपये किलो भी अगर मटर मिल रहा है मंडी से, आप अगर 1 क्विंटल मटर भी संरक्षित करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 2 क्विंटल मटर खरीदना होगा, क्योंकि जब आप 2 क्विंटल मटर खरीदेंगे तो उसका जो प्रोसेस किया जाएगा, उसे छीला जाएगा, तो 1 क्विंटल तो उसमें लगभग छिलके ही निकल जाएंगे और 1 क्विंटल आपके दाने बच पाएंगे। अब उनको संरक्षित करने के लिए सबसे पहले तो आपने उधर लेबर चार्ज दे दिया, क्योंकि आप छोटे लेवल से शुरू कर रहे हैं तो आपके पास कोई हाईटेक और बड़ी मशीनें तो है नहीं जो आपको ऑटोमेटिक मटर के दाने छील कर अलग कर देंगे और छिलके अलग कर देंगे, वैसा तो होगा नहीं, तो उसके लिए आपको मैनुअली करवाना होगा, तो लेबर चार्ज आपको देना होगा सबसे पहले। उसके बाद आपको 1 क्विंटल मटर के दानों को खोला ना होगा, गर्म करना होगा 90 डिग्री सेल्सियस पे नाप के, उसमें आपका अच्छा खासा खर्च आएगा। उसके बाद आपको अचानक से उसको ठंडा करने के बाद उसको फ्रोज करना होगा, जमाना होगा, उसमें भी आपका तगड़ा खर्च आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, इसको आपको 1 साल तक संरक्षित करना है, जमा कर रखना है, तो अब आप 1 साल तक लगातार अगर आप किसी कोल्ड स्टोरेज में भी रख देते हैं तो कोल्ड स्टोरेज का किराया आपका पड़ेगा। अगर आप रेफ्रिजरेटर भी बड़े बड़े रखते हैं अपने पास, तो पहली चीज तो उन रेफ्रिजरेटर्स को खरीदने का बड़ा खर्च आ जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है या फिर आप रेंट पर भी ले लेते हैं तो रेंट उसका जाएगा। अगर ऑलरेडी मौजूद है तो आप रेफ्रिजरेटर्स को 24 घंटे चलाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम होगी और उसका कितना चार्ज आएगा, वो भी आपको देख कर चलना होगा। तो इतना आसान नहीं होता है जितने आसानी से लोग आपको बोल देते हैं कि आप 30,000-40,000 रुपये में इसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप फ्रोजन मटर के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप बड़े लेवल पर अगर आप इसे शुरू करते हैं तभी आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर आप छोटे लेवल पर इसे शुरू करते हैं
तो यकीन मानिए आपका टाइम, पैसा, सब कुछ बर्बाद होगा। हाँ, आपको एक्सपीरियंस ज़रूर मिल जाएगा, आप एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पैसा लगा कर ज़रूर कमा सकते हैं, पर उस एक्सपीरियंस का आप क्या करेंगे। आप बड़े लेवल पे अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 लाख रुपए रखिए। बड़े लेवल से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए, एक अच्छा सा प्रॉपर लोकेशन रखिए, अपना एक कोल्ड स्टोरेज बनाइए, उसके बाद आपको एक पूरा सेटअप खरीदना होगा मशीन का, जो कि आपको indiamod.com पर आसानी से मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हैं indiamod.com पर, हर तरीके की मशीनें अवेलेबल है, पूरा प्लांट वो आपके घर में लगा के जाएंगे। जब आप बड़े लेवल पर शुरू करते हैं तो 50 क्विंटल, 60 क्विंटल, 70 क्विंटल मटर एक साथ आप सीजन में खरीदेंगे, और उसके बाद उन मटर के दानों को आप प्रोसेस करेंगे, और उसके बाद जमा कर एक बड़े से कोल्ड स्टोरेज जो आपका होगा उसके अंदर आप ढेर लगा देंगे, फिर पूरे साल सप्लाई करेंगे। तो वैसे में आप लगभग अपने लागत का 50% तक तो आसानी से कमा सकते हैं। मतलब मान के रखते हैं कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं अपने कच्चे माल के ऊपर, मशीनों के ऊपर नहीं, वो तो अलग आपकी चीज़ हो जाएंगे, वो एक टाइप का एसेट हो जाएगा, वो तो हमेशा के लिए आपका काम आएगा। हम बात कर रहे हैं केवल और केवल यहाँ पर आप अपने रॉ मटेरियल पर अगर 10 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस 10 लाख से कम 50% तो कमा ही सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो सारा लेबर कॉस्ट निकालने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट होगा वो उस 10 लाख रुपए का जो मटर होगा उसके ऊपर तकरीबन 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा, मतलब कि 15 लाख रुपए का आप उसे बेच पाएंगे। पर ये तब बेच पाएंगे जब आपकी मेहनत अच्छी होगी, आप स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे और आप एक बड़े लेवल पे बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।